हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेक्ट्रम एजुकेशन क्लासेस। सो आज हम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, सो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें यहाँ पर क्या गिवेन है, हमें गिवेन है 15 कॉट ए इक्वल में 8 गिवेन है। सो हमें देन साइन ए एंड कॉस ए फाइंड आउट करना है। सो 15 कॉट ए, यहाँ पर ये कॉट और 15 का रिलेशन मल्टीप्लाई में, सो हम यहाँ पर कॉट ए ऐसे ही लिखे रहने देंगे। एंड जो ये 8 है और ये 15 को मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। इससे पहले अभी तक के जो क्वेश्चंस में करा था वो सिंपली ऐसे गिवन होता था, अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ये 15 मल्टीप्लाई में हो गया कॉट के साथ। सो हमें पता है कि अगर कोई LHS साइड में मल्टीप्लाई में डिजिट होती है तो RHS में जाते हुए वो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाएगी। सो हमें सिंपली यही करना है, जो 15 है इसको यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में लिख देना है। अब ये हमारा कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 हो गया। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, बेस है, एंड ये वाली क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है। सो ए के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली साइड जो है, ए के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंड ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है। सो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, एंड परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 15। सो एक साइड हमारी मिसिंग है, कौन सी, हाइपोटेनस। सो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे। सो हेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ही हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह हम 15 का होल स्क्वायर दिखा देंगे एंड बेस की जगह 8 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो एच स्क्वायर एज इट इज 15 इंटू 15 यानी 2 टाइम करेंगे तो 225 हो जाएगा, एंड 8 जा 64, 8 इंटू 8 करेंगे 64 हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इन दोनों को ऐड अगर करेंगे कितना आएगा, 2549 2289 हो जाएगा। तो 289 किसका होता है, ये हमारा 17 का होता है। सो अंडर रूट यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू अंडर रूट 289। सो ये किसका होता है, 17 इंटू 17 का। सो h इज इक्वल टू हमारा कितना आंसर आएगा, 17। सो हाइपोटेनस की जगह हम क्या मेंशन कर देंगे, हाइपोटेनस की जगह हम लिख देंगे 17, जो हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, हमें साइन ए एंड सेक ए हमें फाइंड आउट करना था। साइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पी अपॉन में एच भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली की बेस पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पी अपॉन में एच। सो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 15, एंड हाइपोटेनस 17, तो 15 अपॉन में 17 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड देन हमारा सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। सो हाइपोटेनस हमारा कितना गिवन है, यहाँ पर 17 गिवन है, एंड बेस हमारा 8 गिवन है। सो आंसर हमारा क्या होगा, 17 अपॉन में 8। बहुत ही ईजी है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching this video.